हेलो हेलो हाय तुम इस वक्त अकेले हो? हाँ हूँ। तो क्या कर रहे हो? लैच खोल रहा हूँ। कहाँ का लैच? तुम्हारी खिड़की का। हाय ये क्या संजू, तुम चोरों की तरह मेरे घर में और अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तुम मेरे कास्ट के तो हो ना? हैं? तुम ब्राह्मण तो हो ना? बैपनीज। बैपनीज क्या होता है? जापनीज तो सुना था। कन्वर्टेड ब्राह्मण्स को बैपनीज कहते हैं। ब्राह्मण्स में भी लोग कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या बाकी धर्मों में हो सकता तो इसमें नहीं हो सकता? और तुम जात पात का इतना लफड़ा क्यों कर रही हो? ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ताकि आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कोमल, I love you. प्लीज संजू, कुछ करना मत। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने आई लव यू कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कोमल। संजू, एक किस दे दो ना। एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। क्या कहा? एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। ओह, तो मन भरने तक किस करूँ ना? नहीं तुम उसके बाद कुछ और भी करना तो मैं भी चाहता हूँ। संजू, साइलेंस प्लीज। संजू, नो, वही कमरा, वही जगह, वही बिस्तर, उन बातों का असर अब मुझ पर भी होने लगा है। अगर मैं डायरी पढ़ती रही तो कहीं मैं भी कोमल ना बन जाऊं। कोमल पिघल सकती है पर मैं नहीं, मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं। बारे में सब कुछ जानती हूं कंप्लीटली। क्या जानती हो? यही कि तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों को बाइक पर लिफ्ट देने का बहुत शौक है। बाहर से जितने शरीफ दिखते हो अंदर से उतने ही बदमाश हो। हाँ या ना? सही है। जानती थी, तुम्हें तो देखकर ही पता चलता है कि तुम रात को पाइप पर चढ़ के लड़कियों के कमरे में जाते होगे। ए, तुम्हें ये सब किसने बताया? बताएगा कौन, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। साइकोलॉजी कोई मजाक नहीं है, ये एक साइंस है। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। ये सब किसी से मत कहना प्लीज। Keep it a secret. I'll drop you. Let's go. Thank you. Bye. Bye. He used to give lift to Komal. Now he's dropping you. Lucky guy. Yeah, he is. Yes. संजू एक आर्मी की तरह है।
Hey. क्या नाम है आपका? कोमल। कहां से हो तुम? इंडिया से। तुम जो भी देखती हो उसे शूट करती हो? इतनी सुंदर हो किसी ने किडनैप कर लिया तो? उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है संजू। Who are you? कौन हो तुम सब? हाँ, और चाहते क्या हो? तुम्हें किडनैप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम। वो तुम्हें किडनैप करने आए थे, तुम्हें गलती से नहीं उठा लिया। मुझे कैसे पता संजू, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। एक स्मार्ट लफंगा हैंडसम बदमाश, ये कहां सुना? उसी डायरी से जो मुझे मेरे रूम में मिली थी। मैंने इस डायरी को यही टाइटल दिया है। उन लोगों को कहीं देखा तुमने? लड़की तो अब तक नहीं दिखी मुझे, मगर वो लड़का मुझे हर रोज कहीं ना कहीं दिख जाता है। मुझसे मिलता है, बात करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मैं उसकी पर्सनल बातें इस डायरी में पढ़ती हूँ। हाँ, तुम पूरी की पूरी डायरी एक साथ क्यों नहीं पढ़ लेती हो? नहीं मॉम, इंतजार में जो मजा है वो दीदारे यार में कहाँ। बदमाश कहीं की। आराम से बैठी हो ना, ये पकड़ो, होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से नसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास ला, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी?
क्या? चीखड़े कर दिए, इज्जत का भाजी पला कर दिया, लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुकाला हो गया, खंबे जैसी खड़ी है चुल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा। वायलिन ब्रह्मा ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आ? आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सट गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है। काहे की परवाह? भूल गए उसने क्या किया था? खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था, और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। लो मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर वन वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ, अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे, तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? आओ। नहीं संजू। अरे आओ ना। नहीं ना संजू प्लीज। डरती क्यों? आपने तो कहा था वो दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी दिखाई देंगे संजू, अलग कास्ट की वजह से पापा कभी नहीं मानेंगे। हाय एवरीबॉडी। हाय कोमल, मैं संजू का पापा, ये है संजू की मम्मी सुमन। हाय बेटा। नमस्ते। देखिए तो सही, दैट हैंडसम बॉय इज माय सन संजू। नमस्ते अंकल। क्या ये वही है जिसने हमारे वायलिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो। मेरे वायलिन का दुश्मन है। मैंने और शर्मा जी ने सारी बातें कर ली हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है, वी हैव एक्सेप्टेड योर लव। मैं 40 साल से वायलिन बजा रहा हूँ, मास्टर हूँ, आपकी तो ऊपर तक पहचान है, सिफारिश लगाकर मुझे जरा पद्मश्री दिलवा दीजिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अरे भाई साहब, पद्मश्री मिलना इतना आसान काम नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझो हो गया। ये हुई ना बात, चलो मिला लो हाथ।